तो दोस्तों मेरे पास यहाँ पे आ चुका है जी चार्ज की कंपनी का एक बहुत ही अच्छा ईयरफोन जिसका प्राइस है 200 रुपये। और 200 के दाम में हम लोगों को काफ़ी कमाल के स्पेक्स प्रोवाइड कर रहा है और इसकी साउंड क्वालिटी भी बिल्कुल ही HD होने वाली है। और आज के वीडियो में मैं इसी का अनबॉक्सिंग करूंगा, तो वीडियो को पूरा देखना, वीडियो छोड़ के कहीं मत जाना क्योंकि ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल होने वाली है इस ईयरफोन को लेकर। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोग को बता दूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर देना क्योंकि आप लोग को हमारे चैनल पर ऐसी वीडियो देखने को मिल जाते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट टू द वीडियो। तो दोस्तों ये रहा हम लोग का वो ईयरफोन जिसके कंपनी का नाम है जी चार्ज, जैसा कि आप लोग यहाँ पे बहुत ही क्लियर क्लियर देख सकते हो। और यहाँ पे हम लोग को इसका कुछ मतलब कुछ इसका नाम मुझे इसका अच्छे से नाम पता तो है नहीं, बस मैंने अच्छा कंपनी का इसमें 6 महीने की हम लोग को गारंटी भी देखने को मिल रही थी 200 के दाम में, तो मुझे यही सब देख के मुझे इसे लेना अच्छा पड़ा। तो इसका नाम पहले हम लोग अच्छे से देख लेते हैं। तो इसका नाम है जी चार्ज स्टीरियो ईयरफोन, यही सबका नाम होता है वैसे भी रेगुलर। तो यहाँ पे हम लोग इसके कुछ स्पेक्स पढ़ लेते हैं। G7 जी चार्ज, और यहाँ पे इसे कुछ स्पेक्स हैं, यहाँ पे लिखा है एक्स्ट्रा बेस, HD साउंड, रिमोट कंट्रोल और कंफर्ट फिट। तो यही सब इसके कुछ स्पेक्स हैं। और यहाँ पे भी इसके कुछ स्पेक्स आप लोग को देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि ये स्पीकर साइज़ 14.2 मिलीमीटर, फ्रिक्वेंसी रेंज 22 लाख हर्ट्ज, और केबल लेंथ 125 मिलीमीटर, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिखा है इम्पेंडेंस 32, और प्लग पिन 3.5 mm, सेंसिटिविटी ये क्या लिखा है यार, यहाँ पे लिखा है 90, उसके बाद कोई साइन है, उसके बाद 3 dB, उसके बाद यहाँ पे मॉडल नंबर है G7। तो इसका मॉडल नंबर G7 है। तो अब हम लोग चलिए इसे ओपन करते हैं। तो दोस्तों ये रहा हम लोग का ईयरफोन जो कि काफ़ी मुझे अच्छा लग रहा है। वैसे मैंने इसे ब्लैक कलर वाला लिया क्योंकि वाइट थोड़ा गंदा हो जाता है जल्दी। तो दोस्तों ये रहा हम लोग का ईयरफोन जो कि थोड़ा उलझा हुआ है, इसे हम लोग सीधा कर लेते हैं। तो दोस्तों हम लोग का ईयरफोन अब सीधा हो चुका है। और दोस्तों यहाँ पे मेरे को काफ़ी कमाल की एक चीज़ देखने को मिल जाएगी, यहाँ पे हम लोग को CE यानी कन्फर्म यूरोपियन का एक साइन देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये जो साइन होता है दोस्तों वो ब्रांडेड चीज़ों में लगा रहता है, मतलब जो चीज़ अच्छी होती है सिर्फ वहीं में लगा रहता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो CE कन्फर्म यूरोपियन, पता नहीं आप लोग देख पा रहे हो कि नहीं, लेकिन यहाँ पे CE लिखा है जो कि काफ़ी अच्छी बात है इस ईयरफोन को लेके। और दोस्तों इसका वायर जो आप लोग को देखने को मिल रहा है वो भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का मुझे लग रहा है, बहुत ही मजबूत और काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। और दोस्तों ये रहा हम लोग का ईयरफोन का माइक जो कि अच्छा लग रहा है मुझे, और ये रहा इसका यहाँ पे माइक, जैसे आप लोग डॉट देख सकते हो यही है इसका माइक। और इसे हम लोग रिमोट से भी कंट्रोल कर सकते हैं, मान लीजिए जो ये बटन है इसे हम लोग कॉल के वक्त यूज़ कर सकते हैं, मान लीजिए हम लोग इसे कॉल काटने के लिए इसे यूज़ कर सकते हैं, वॉल्यूम अप डाउन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और ये रहा हम लोग का ईयरफोन जो कि काफ़ी अच्छा इसका शेप और साइज़ है, और इसका लुक भी काफ़ी कमाल का मुझे देखने को लग रहा है, और इसे हम लोग जब पहनेंगे कान में तो हम लोग को काफ़ी कंफर्टेबल भी फील होगा। तो दोस्तों ओवरऑल ये ईयरफोन मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, अगर आप लोग को इस ईयरफोन को लेना है तो आप लोग ले सकते हो, शॉप पे भी जाके ले सकते हो और इसे ऑनलाइन भी चेक कर सकते हो फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन पे और भी कई सारे साइटों पे। तो दोस्तों मेरे लिए ये ओवरऑल ओपिनियन तो यही रहेगा कि आप लोग इस ईयरफोन को ले सकते हो 200 के अंदर तक, क्योंकि मुझे इसमें काफ़ी कमाल के फीचर्स देखने को मिले हैं, तो आप लोग इसे ज़रूर लीजिएगा। तो दोस्तों मेरा ओवरऑल ओपिनियन इस ईयरफोन को लेके जो था वो 100% है, इसे आप लोग 200 के अंदर तक में बिल्कुल ही आराम से खरीद सकते हो, क्योंकि इसमें हम लोग को काफ़ी अच्छा वायर, काफ़ी अच्छे ईयरफोन्स और इसका जो हम लोग का माइक है वो भी काफ़ी अच्छे देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों ओवरऑल इसमें हम लोग को CE जो कि कंफर्म यूरोपियन का एक मार्क होता है वो भी हम लोग को इस ईयरफोन में देखने को मिल गया है, जो कि हम लोग के लिए काफ़ी अच्छी बात है। तो दोस्तों अगर आप लोग को इस ईयरफोन को 200 के अंदर तक के में लेना है तो आप लोग इसे आराम से ले सकते हो, बिल्कुल भी हिचकिचाने की जरूरत मतलब हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों ये थी हम लोग की आज की वीडियो, आई होप आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई हो, अगर पसंद है वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, मेरे चैनल पर अगर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर देना क्योंकि आप लोग को हमारे चैनल पर ऐसी वीडियोज देखने को मिल जाते हैं। सो तब तक के लिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, जय हिंद, वंदे मातरम।